तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी फर्म के इक्विलिब्रियम के दो अप्रोचेज हैं, दो मेथड हैं, जिसमें से पहला मेथड है टीआर एंड टीसी मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब टीआर और टीसी का जो गैप है, गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। तो जिस केस में टीआर और टीसी का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा, उस केस में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर हम टीआर की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो प्राइस होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब एक फर्म कितनी भी क्वांटिटी सेल करना चाहे उसका जो प्राइस होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। इस तरीके से TR कैसे निकाला गया है, P इंटू क्यू करके, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इस केस में जो TR होगा वो बिल्कुल सीधा होगा इस तरीके से। जो बता रहा है कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी क्या वजह है कि जो प्राइस है वो सेम रहेगा, चाहे आप जितनी भी क्वांटिटी सेल। तो यहां पर हम लिखते हैं क्वांटिटी किसी भी गुड्स की, यहां पर लिख देते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अगर हम टीसी की बात करें तो हम तो पढ़ चुके हैं कि टीसी इनवर्सली एस शेप्ड का होता है। इसका मतलब पहले जो टीसी है वो इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग। तो टीसी देखिए इस पॉइंट पर टीआर के इक्वल है, इसको कहते हैं ए पॉइंट और इसको नाम देते हैं बी पॉइंट। ये पॉइंट बता रहा है कि एक फर्म अगर ओक्यू जीरो से कम आउटपुट करती है या ओक्यू वन से ज्यादा आउटपुट करती है तो दोनों ही कंडीशन में जो फर्म है उसको लॉस होगा। ये लॉस कंडीशन, इस केस में भी फर्म को लॉस होगा। तो अगर फर्म को प्रॉफिट कमाना है तो इसके बीच में आउटपुट करना पड़ेगा, इसके बीच में। और प्रॉफिट तब मैक्सिमम होगा जब डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी मैक्सिमम होगा। देखिए इस केस में एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि जो गैप है इसको हम सीडी नाम दे देते हैं, वो मैक्सिमम है। तो अगर हम प्रॉफिट का डायग्राम बनाएं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डायग्राम बनाएं, तो ये हमारी क्वांटिटी है क्यू जीरो, ये हमारी क्वांटिटी है क्यू वन और ये हमारी क्वांटिटी है क्यू टू। ये हमारा प्रॉफिट का एंड लॉस का डायग्राम। तो डायग्राम आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ओक्यू जीरो से कम आउटपुट करते हो तो आपको लॉस होगा और इस पॉइंट पर आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो जीरो हो जाएगा। तो ये लॉस है। जैसे जैसे आपका आउटपुट Q2 तक बढ़ता है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और यहां पर आपका देखिए प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम। और जैसे जैसे अगर आप अपना आउटपुट को कम करते हो, सॉरी आउटपुट को बढ़ाते हो, तो आपका प्रॉफिट कम होगा और इस पॉइंट पर आपका प्रॉफिट फिर से जीरो हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप जारी रखते हो तो आपको प्रोडक्शन लॉस होगा। तो ये आपका है हमारा टीआर एंड टीसी मेथड। अगर हम एमसी
एंड एमआर मेथड की बात करें, तो हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होने की वजह से एमआर भी सेम होता है, प्राइस के इक्वल होता है। और इस केस में जो एमआर कर्व बनेगा वो बनेगा बिल्कुल पैरेलल ओ एक्स एक्सिस के, इस तरीके से बनेगा। यहां पर ये प्राइस के इक्वल है और एआर के भी इक्वल है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है कि जो एमआर है वो इक्वल होना चाहिए एमसी के। एमआर का मतलब एडिशनल इनकम, और एमसी का मतलब एडिशनल कॉस्ट। तो एमसी और एमआर इक्वल क्यों होते हैं, होने चाहिए, इसकी डिटेल हमने एक वीडियो में बनाई हुई है पहले से, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो एमसी और एमआर इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए एमआर एमसी इस तरीके से होता है तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो देखिए एमसी एमआर इस पे भी बराबर है और यहां पे भी बराबर है, लेकिन इस केस में क्योंकि आपकी कॉस्ट गिर रही है तो कॉस्ट गिरने का मतलब है फर्दर प्रॉफिट यहां पर होगा, ये आपका प्रॉफिट है, तो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होगा बी पर। अगर एक फर्म इस पॉइंट से कम आउटपुट करती है, मान लीजिए इतना आउटपुट करना चाहती है, अब उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा लॉस में चला जाएगा। और अगर वो ज्यादा आउटपुट करती है तो ये वाला हिस्सा भी लॉस में चला जाएगा, जिसकी की डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, पहला एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए, दूसरा एमसी कट एमआर फ्रॉम द बिलो। हम ये भी कह सकते हैं कि इस केस में जो एमआर का स्लोप है वो जीरो है, जीरो स्लोप का मतलब बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, जीरो स्लोप है। तो जो एमसी का स्लोप है वो मोर देन जीरो होना चाहिए, इस केस में एमसी का स्लोप मोर देन जीरो है क्योंकि एमसी का स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। तो ये इसकी दो कंडीशन है। अगर हम बात करें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, तो शॉर्ट रन में चार कंडीशन पॉसिबल, पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा लॉसेस, यानी किसी फर्म को लॉस हो रहा है लॉस, और चौथा शटडाउन। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब टी आर मोर देन होगा टीसी से, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए आर मोर देन होगा एसी की। इसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट के केस में टी आर का टीसी के इक्वल होना जरूरी है, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है। तो इस केस में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको इस केस में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का इक्वल होना जरूरी है। तो अगर आपके मन में डाउट हो कि इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट की बात में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट भी इसमें शामिल है। लॉसेस की बात करें तो टी आर जो है वो क्वांटिटी से कम होगा, किसी से कम होगा, यानी कि ए आर अगर एसी से कम होगा तो इस केस में लॉस होगा। शटडाउन पॉइंट की कंडीशन तब आती है जब ए आर इक्वल टू एबीसी होगा। तो इसकी डिटेल हम एक एक करके पढ़ना समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट की, यानी कि सबसे पहले अगर हम एक डायग्राम बनाए एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए, मान लीजिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, नीचे क्वांटिटी आएगा और ऊपर
कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम समझ चुके हैं कि जो एआर होता है वो इक्वल होता है प्राइस के, इक्वल होता है एमआर के। और फर्म का इक्विलिब्रियम तब होगा जब एमसी एमआर को नीचे से कट करे, यानी कि सबसे पहले क्वांटिटी एक फर्म डिसाइड कर लेगी। मान लीजिए ए है, ये क्यू है, ये ओ है, ये पी है। आपकी सुविधा के लिए मान लीजिए एक फर्म 10 क्वांटिटी सेल करती है और वो 10 रुपए प्राइस चार्ज करती है, मान लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड की फर्म ने वो है ए ओ क्यू, ये वाली ओ क्यू। हम इसको पीए भी कह सकते हैं, ये वाली पी से लेके ए तक। और इसको हम कह सकते हैं 10 यूनिट्स, मान लीजिए 10 यूनिट कह देते हैं क्योंकि ये 10 यूनिट्स है। इसलिए इसी तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस की अगर हम बात करें तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है ओपी, यानी कि हम उसको कह सकते हैं ए क्यू। ये भी प्राइस हो सकता है हमारा, ये प्राइस है ओपी है ए क्यू। और आपकी सुविधा के लिए हम इसको 10 यूनिट मान, 10 रुपीज मान लेते हैं। मान लीजिए 10 रुपीज प्राइस डिसाइड हुआ है। इसका मतलब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमारा ये पूरा का पूरा एरिया है ओ पी ए क्यू, यानी कि हम आपकी सुविधा के लिए 100 रुपीज मान लेते हैं क्योंकि 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 10 क्वांटिटी सेल हो गई। अब इस केस में प्रॉफिट है या लॉस है ये बताने का काम करती है एवरेज कॉस्ट। अब मान लीजिए क्योंकि हमें ये बताना है कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट कम है, इसलिए हम एवरेज कॉस्ट को इस पॉइंट से कट करेंगे इस पॉइंट से। और हम ये भी जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है, तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई। यानी कि इस केस में एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारी व्यू, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट एवरेज कॉस्ट इक्वल टू बी क्यू। तो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा, ये नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सारा का सारा हमारी टोटल कॉस्ट है। यानी कि इस केस में टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, टोटल कॉस्ट हो गई हमारी ओ पी वन बी क्यू। तो ये हमारी है टोटल रेवेन्यू जिसमें से टोटल कॉस्ट माइनस हो गया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला हिस्सा एबनॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि आपका जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो कितना हुआ, पर यूनिट प्रॉफिट हुआ ए बी पर यूनिट, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ ए बी पी पी वन, ये वाला हिस्सा। तो ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस है। इस तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की तो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हम यहां बना लेते हैं। इसलिए तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। और इसके केस में जो एमसी है वो एमआर को उसी तरीके से काट रहा है जैसे इस केस में काट दिया एमसी। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया। उसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट सेम है, ये 10 यूनिट मान लेते हैं या 10 रुपीज मान लेते हैं, तो ये सारा का सारा हिस्सा सेम आएगा इसमें भी। लेकिन इस केस में और इस केस में डिफरेंस ये होगा
कि इस केस में एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। इसका मतलब आप जो एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करोगे वो इसी ए पॉइंट पे कट करेगा इस तरीके से। यानी कि इस केस में जो जो टोटल कॉस्ट है वो भी ओ पी ए क्यू के बराबर है, इसलिए इस केस को कहेंगे दैट एवरेज रिवेन्यू इज ए क्यू और एवरेज कॉस्ट भी हमारा है ए क्यू, तो इस केस को कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो देखिए दोनों में क्या फर्क आ रहा है, इस केस में जो एवरेज रिवेन्यू है उससे छोटा है एवरेज कॉस्ट, लेकिन इस केस में एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर है। दोनों डायग्राम को एक साथ रख के समझिए, आपको ठीक से समझ में आएगा। ये किसका डायग्राम है, ये हमारा है एबनॉर्मल प्रॉफिट का, और ये हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट का। फर्क क्या है, ये इसको ए पॉइंट से नीचे से कट कर रहा है और ये ए पॉइंट पे ही कट कर रहा है। अगर हम लॉस की बात करें, चलिए लॉस का डायग्राम यहां बना लेते हैं, लॉस की बात करें तो लॉस के केस में ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी होगा, इसी तरीके से एमसी उसे नीचे से कट करेगा, ये हमारी क्वांटिटी हो गई मान लीजिए क्यू पी ए टेन और टेन। तो लॉस के केस में हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, यानी कि इसमें ये नीचे से कट किया, इसमें उसी पॉइंट पे कट कर रहा है, और लॉस के केस में ये बिल्कुल ऊपर से कट करेगा। तो जब हम क्वांटिटी से उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारी कॉस्ट हो गई, यानी कि ओ क्यू आउटपुट करने की जो कॉस्ट है वो है ओ क्यू बी पी वन। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा सारा का सारा हिस्सा लॉस में चला जाएगा, क्योंकि इतनी कॉस्ट पर यूनिट लॉस कितना हुआ, पर यूनिट लॉस हुआ हमारा ए बी, और टोटल लॉस जो हुआ वो हुआ ए बी पी पी वन। तो अगर हम फिर से रिपीट करें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होने की वजह से ए आर पी और एम आर इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम तब होगा जब एमसी एमआर के इक्वल होगा, जिससे क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो अगर एसी नीचे से कट कर रहता है तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एसी उसी पॉइंट पे कट करता है जहां पर एमसी कट किया है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर एवरेज कॉस्ट ऊंचा चला जाता है तो ये लॉसेस का डायग्राम। शॉर्ट रन में एक फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो क्वेश्चन ये है कि शुड अ फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस और शुड अ फर्म शट डाउन देयर प्रोडक्शन। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर एवरेज रिवेन्यू मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो फर्म शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, और अगर एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो फर्म को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। अगर हम शटडाउन की बात करें तो शटडाउन का मतलब होता है टेंपरेरी आप प्रोडक्शन बंद कर रहे हो, आप मार्केट छोड़कर जा नहीं रहे हो, यानी कि टेम्परेरी बंद करने का मतलब है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपको फिर भी वेयर करनी पड़ेगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है एवरेज कॉस्ट, उसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है 12, यानी कि उसको 12 रुपीज का पर यूनिट पे खर्चा होगा, और उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो मान लीजिए 10 आ रही है, तो जो पर यूनिट लॉस हुआ वो हुआ 2 रुपीज का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसे अपना प्रोडक्शन करना चाहिए या अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, तो हमें उस एवरेज कॉस्ट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि उसकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो आ रही है 4 रुपीज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 8 रुपीज। इस केस में अगर पहला ऑप्शन है कि वो क्या